सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एग्ज़ाम क्रैकर में। इसके पहले आपको जब मैंने बताया था तो संविधान के बारे में बताया, संविधान किसे कहते हैं और संविधान की क्या विशेषताएं होती हैं, ये आपने इसके पहले देखा। ठीक है, आज मैं आपके लिए सर सामने जो अगला टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो है भारतीय संविधान के स्रोत, कि भारत के संविधान का निर्माण जो हुआ उनके स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हमने अडॉप्ट किए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं इसे आप। मैं आपको सीधे सीधे बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से, ठीक है। और जो क्वेश्चन बताऊंगा कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, वो क्वेश्चन तो आपको तैयार होने ही चाहिए क्योंकि तो क्वेश्चन बहुत इस पूछे जाते हैं। आप लोग के मन में एक जिज्ञासा होगी कि जो है सर ने संविधान बताया, संविधान की विशेषताएं बताई, संविधान के शुरू बता रहा है, इसमें एक टॉपिक जो मैंने आपको अभी नहीं बताया वो है उद्देशिका। हालांकि उद्देशिका में जो दिन क्वेश्चन से बनते हैं वो मैं आपको फैक्चुअल जब पढ़ाऊंगा फैक्ट तब बताऊंगा। संविधान के स्रोत जहां टॉपिक खत्म होगा ठीक उसी के बाद मैं आपको उद्देशिका से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और कुछ कुछ कमेटियाँ हैं बताऊंगा उससे पहले जिसका भारतीय संविधान बनने में बहुत बड़ा योगदान था, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। और एक बार मैं फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए अगर आप कुछ भी पूछने की कुछ भी जानने की अगर इच्छा है तो। ठीक, आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है पॉलिटिक्स संबंधित, कोई भी क्वेश्चन आते हैं स्पेशली जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक संबंधित कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप एकदम बेझिझक आकर के कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत की, तो हम देखते हैं कि स्रोत क्या है। पहले आपको मैं एक छोटा सा एक पॉइंट बता दूंगा कि भारत का संविधान था इसको बनने में 2 साल 11 महीने, ठीक है, 11 महीने 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, यानी 12 दिन कम पूरे 3 साल। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। तो ये भारत का संविधान है जो हमने इसके स्रोत है, हमने बहुत से देशों से बहुत चीज़ें क्या की अडॉप्ट की। लगभग हमने भारतीय संविधान को बनाते वक्त हमने लगभग 60, ठीक है, लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। कितने? 60, 60, हमने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था जब भारत देश का संविधान बनने लगे तो। ठीक है, अब जब 60 देशों के संविधानों का हमने अध्ययन किया तो हमने जिस देश के संविधान से हमें जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगी हमने वो चीज़ वहाँ से उसको अडॉप्ट किया। ठीक है, तो वही भारतीय संविधान के स्रोत हुए। चलिए हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहेगा कि कुछ फैक्ट जैसे कि संविधान सभा, संविधान निर्मात्री सभा, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, कब टाइम पे कब बन गया संविधान, बना कब लागू हुआ, तमाम चीज़ें, ये चीज़ें मैं अगली क्लास जो मेरी होगी, ठीक है, आई उसमें सारे फैक्ट क्वेश्चन आपके सामने होंगे कि उद्देशिका में कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए और संविधान बनने के लिए कौन से संविधान सभा बने, उसे मेंबर कितने थे, अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष क्या थे, कौन सी कमेटियाँ थी, और जितने अधिनियम बने थे 1935 का अधिनियम क्या था उसमें, इस सारी चीज़ें मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में पूरा अपलोड करूँगा क्योंकि वहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे सीधे पूछते हैं, सीधे फैक्ट उठा के पूछते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। ठीक, तो अभी आ देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने सबसे क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की। भारत देश की जो संसदीय शासन पद्धति है, संसदीय शासन पद्धति का मतलब भारत देश में जो शासन चलाया जाता है संसद के थ्रू, वो जो प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से ली। ठीक है, यहीं से पहला क्वेश्चन बनता है। और आपको बता दूं इस साल उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग यानी PCS के एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से पुटअप हुआ था कि सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था पद्धति कहाँ शुरू हुई थी, आगे ब्रिटेन के संग, ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन में यह क्वेश्चन था। दूसरा है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। हमने ब्रिटिश के संविधान से
सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता को अडॉप्ट किया है। जैसे मैंने बताया ना संविधान के 22 भागों में डिवाइड किया गया, तो भाग दो में है एकल नागरिकता। मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा भाग ये भाग दो कितने आर्टिकल कितने क्या है सब। तो एकल नागरिकता ब्रिटिश के संविधान से हमने एक्सेप्ट किया कि हमने देखा जब वहाँ का संविधान का अध्ययन किया गया तो हमने देखा कि वहाँ के संविधान में बातें लिखी हुई थी एकल नागरिकता, वहाँ के रहने वाले लोगों को एक नागरिकता मिली थी। हमने कहा ये बढ़िया है, इससे हमें यूनिटी का मतलब फील होगा कि हमें एकता है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि भारत के जो है नागरिकता अलग, देश की नागरिकता अलग होती है, राज्य की अलग होती है, क्षेत्र के अलग, तो मतभेद होने के चांसेस होते थे। और भारतीय नागरिकता एकल नागरिकता जो यूनिटी को शो करता है। ठीक है, तो हमने एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया। थर्ड है संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया। ठीक है, संसद जो कि केंद्र में होता है, केंद्र में है, और विधानमंडल हर राज्य में है। ठीक है, हर राज्य में इनका जो प्रोसेस है काम करने का तरीका है, जो इनका प्रक्रिया है, ये सारा प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया। ठीक है, दूसरा होता है लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये चीज़ें भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन के संविधान से। दोस्तों मंत्रिमंडल होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि तीन तरह के मंत्री होते हैं। ठीक है, तीन तरह के मंत्री, वो तीन तरह के मंत्री कौन होते हैं, वो जो मंत्री होते हैं तीन तरह के, पहला होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, दूसरा होता है राज्य मंत्री, हालांकि मैं आपको इसको लिख चुका हूँ, इसको एक बार बता चुका हूँ और आगे मैं बताऊँगा फिर से इसको, उप मंत्री या सहायक मंत्री। इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री के समूह को ही हम बोलते हैं मंत्री मंडल। ठीक, इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री के समूह को हम लोग बोलते हैं मंत्री मंडल। तो जो मंत्री मंडल होता है पूरे सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। क्या होता है, ऐसे आप घर में रहते हो, ठीक है, आप घर में रहते हो, आपके घर के सीनियर पर्सन आपके पिताजी हैं, अगर पापा आपकी पढ़ाई का खर्चा दे रहे हैं, ठीक है, पापा अगर रूम का रेंट दे रहे हैं, पापा आपकी पॉकेट मनी दे रहे हैं, तमाम चीज़ें, तो कॉमन सी बात है आप पापा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो आपसे हिसाब ले सकते हैं कि बेटा आपने इतना पैसा कहाँ खर्चा किया कहाँ गया, तो आप पापा के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। ठीक उसी तरह मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, होते तो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वही मंत्री होते हैं, तो वो मंत्री क्या होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब लोकसभा की बैठक चलती है तब उस लोकसभा के बैठक में विपक्ष वाले उन मंत्रियों से या लोकसभा के सदस्य से प्रश्न पूछते हैं कि बताइए आप जो है आप रक्षा मंत्री हैं, आपने इस सेक्टर में क्या किया, आप होम मिनिस्टर हैं, आप गृह मंत्री, आपने क्या किया, ऐसे, तो वो अपना जवाब लोकसभा में देते हैं। यानी यहाँ पर चीज़ देखने को मिल रहा है वो मंत्री क्या है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसलिए कहा था, तो ये प्रक्रिया भी हमने जो ली थी ये ब्रिटिश संविधान से ली थी, और सामूहिक रूप से होते हैं, मतलब सभी के सभी मंत्री रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर किसी एक मंत्री के ऊपर भी आँच आए तो समझ लीजिए पूरे मंत्रिमंडल पे आँच आ गई। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊंगा जब मैं आपको लोकसभा पढ़ाऊंगा। ठीक, ये हो गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया से मतलब है किस तरह कानून का निर्माण किया जाता है, उसका जो तरीका होता है, जो प्रक्रिया होती है, किस तरह हम लोग विधि यानी कानून का निर्माण करते हैं, वो तरीका हमने ब्रिटेन के संविधान से सीखा। तो इतने चीज़ें हमने ब्रिटेन के संविधान से ली। अब इसमें से मैं आपको बता दूँ संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, ये जो दोनों पॉइंट हैं ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। दोस्तों आप SSC से लेकर के PCS तक का सवाल पेपर देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे ये। ठीक है, दूसरा आता है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने लिए हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे संविधान में जो हैं वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। ये चीज़ें मैंने बताया, अभी मैंने आपको बताया था विशेषता में इसके बारे में कि आर्टिकल 51 तक दिया गया है ये, तो ये चीज़ हमने कहा आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन,
ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है ये प्रक्रिया हमने आयरलैंड के संविधान से ली। ये होता क्या है, जैसे देखिए मैंने अभी आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में 545 मेंबर प्रेजेंट टाइम में हैं और राज्यसभा में 245 हैं, 250 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो उनमें से 12 सदस्यों को राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। क्या करता है दोस्तों, मनोनीत करता है। और वो लोग जो होते हैं साहित्य कला खेल, ठीक है, मनोरंजन, क्यों से साहित्य कला खेल मनोरंजन आदि और विकास क्षेत्र हैं ये जिनमें उनका विशेष योगदान होता है। मैं इस चीज़ों को डिटेल से बताऊंगा जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो ऐसे सदस्यों को, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत कर सकता है। तो अब एग्जाम्पल देखिए ना, खेलकूद में सचिन तेंदुलकर जी का हुआ था, ठीक है। ऐसे बहुत से मनोरंजन क्षेत्र में आप जया बच्चन को देख सकते हैं, ऐसे बहुत से सेक्टर में आप देख सकते हैं। लेकिन हालांकि राष्ट्रपति ने मनोनीत नहीं किया था जया बच्चन जी को, ये तो बकायदे यहाँ से जीत गई थी, लेकिन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, ठीक है। अगला आता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें निर्वाचक मतलब कौन कौन आदमी जो निर्वाचित करते हैं उनको चुनने का काम करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं राष्ट्रपति जब पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा भी आपको कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की अगर हम बात करें, तो इसमें हम ये देखेंगे संसद के दो भाग होते हैं। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये तो संसद तो आपके जबान पे आ ही जाएगा ऐसा मुझे लगता है। लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक इसी तरह राज्य में क्या होता है दोस्तों, विधान मंडल, इसके भी दो भाग होते हैं, विधानसभा विधान परिषद, ठीक, विधानसभा होता है विधान परिषद होते हैं। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें जो वोट डालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसमें लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद के नहीं, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। इस वर्ड पे जरूर ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, क्यों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य वोट डालते हैं। ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य और विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य, गलत। दूसरा ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य और विधानमंडल के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन बोलते संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानमंडल के सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सही होगा। या सीधे कह सकता है लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऐसे लिख सकता है। तो ठीक है, तो निर्वाचित वर्ड पे ध्यान रखिएगा। तो हमने निर्वाचक मंडल कहाँ से लिया है, ये आयरलैंड का। इसके अलावा जो राष्ट्रपति को निर्वाचन जब करते हैं हम, उसमें जो फार्मूला है कि MLA की वोट वैल्यू क्या होगी, MP की वोट वैल्यू क्या होगी, विधायक और सांसद की वोट वैल्यू क्या होगी, कैसे निकाली जाएगी, तो ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर हम भारत देश के पार्लियामेंट की बात करें, अगर तो आप देख रहे हैं लोकसभा में 545 मेंबर प्रेजेंट टाइम में, राज्यसभा में 245, दोनों को काउंट कर लेंगे 790 आएगा, ठीक है। अगर लेख और पूरे राज्य स्टेट की विधानसभाओं के सदस्य को और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों के सदस्य को, जिसमें आपका दिल्ली आता है, सभी नहीं आते हैं, अगर उनको ऐड कर लेते हैं, ठीक, तब भी मुझे नहीं लगता कि ये संख्या बहुत ऊपर जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो मालूम चलता है 60,000 वोट से 70,000 वोट से जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी MLA MP की जो वोट वैल्यू होती है, वोट डालने का तरीका होता है, वो थोड़ा हटके होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीसरा आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है मूल अधिकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पिछले एग्जाम में, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा।
मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उद्देशिका का विचार ये भी हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त विचार लिया है दोस्तों, याद रखिएगा, उद्देशिका का विचार, भाषा नहीं। उद्देशिका की भाषा अभी आगे बताऊंगा वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है? वो यहाँ से नहीं लिया गया, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बताऊंगा आपको। फिर राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइएगा, राष्ट्रपति व महाभियोग की। जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाता है तो पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको हम बोलते हैं महाभियोग का प्रस्ताव, ठीक है? उस प्रस्ताव को, तो ये राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाया जाता है, जिसको हम कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। महाभियोग प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जितने भी टॉपिक्स इसमें आप देख रहे हैं, हर एक टॉपिक डिटेल में है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ इतने कौन कहाँ से मैं अडॉप्ट किया है, लिया है। महाभियोग की प्रक्रिया, तो ठीक है, महाभियोग दो बार, दो तरीके से लगा सकता है। जब राष्ट्रपति या तो अपने पद का गलत दुरुपयोग करें, या उस मतलब असमर्थ हो जाए कार्य करने में, या कदाचार सिद्ध हो जाए, मतलब उसके खिलाफ ये साबित हो जाए कदाचारी है, ये दो कंडीशन होते हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। आगे नेक्स्ट, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, आपने याद देखा आयरलैंड के संविधान से हमने यहाँ तक लिया था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल तक। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है, सॉरी, मूल अधिकार, उद्देश्य का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ की न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, ये मैंने संविधान की विशेषता में आप लोग को बताया था, ठीक है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात वही मैंने आगे बताया, फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा, न्यायपालिका को भी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यहाँ से लिया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, ये भी हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य। हमें न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है? ये कोर्ट संबंधित होता है, इसमें न्याय पर पुनर्विचार किया जाता है, ये कोर्ट के पास पावर होती है। किस कोर्ट के पास पावर होती है मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। तो ये चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मैं आपको फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। ब्रिटेन के संविधान से मिली है संसदीय शासन पद्धति, एकल नागरिकता, संसद विधानमंडल की प्रक्रिया, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? ब्रिटिश संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है राज्य के नीति निषेक तत्व, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है? और मैं जो जितनी चीज़ें मैं ब्लू पेन से मैंने जो हाईलाइट किए हैं ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। थर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका को से हमने मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका का विचार है, भाषा, जब उद्देशिका की भाषा पूछा जाए तो अलग है, ठीक है? उद्देशिका का विचार अलग है, तो याद रखिएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ठीक है? चलिए अब इसके हम आगे चलते हैं। अभी तक आपने देखा कि अमेरिका के संविधान तक जहाँ से हमने कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट की थी, चलिए उसके आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने सबसे पहले चीज़ ली है प्रस्तावना की भाषा, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया प्रस्तावना की भाषा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? ये मैं इस सब चीज़ों को डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है? अगला है समवर्ति सूची। आप लोगों ने समवर्ति सूची का नाम जानते ही होंगे, तीन तरह की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ति सूची। संघ सूची में क्या होता है कि उसमें वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, ठीक है? राज्य सूची में वो सारे विषय होते हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और समवर्ती सूची में वो विषय होते हैं इसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। लेकिन अगर किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है तो उस समय वहाँ पे बात मानी जाती है सिर्फ इसकी, केंद्र सरकार की, वहाँ पे इसको प्रायोरिटी दी गई है, ठीक है? तो हमने समवर्ती सूची ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। शक्तियों का विभाजन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और जो स्थानीय सरकार हमारी होती है, लोकल गवर्नमेंट जो होती है, उन सभी में शक्तियों का विभाजन जो किया गया हमने कहाँ लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। शक्तियों का विभाजन हमने कहाँ से लिया है? बंटवारा कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट केंद्र और राज्य संबंध, ये क्वेश्चन पूछा जो है रिसेंटली अभी। अगर आप लोग प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करते होंगे तो मैं आपको हिंट देता हूँ, अभी रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा चुका है अभी रिसेंटली, बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है। उसके बाद कनाडा के संविधान से, ठीक है, कनाडा के संविधान से हमने लिया है संघीय शासन प्रणाली। हमारे संघीय शासन प्रणाली एक दूसरे भाषा में बोल सकते हैं केंद्रीय शासन प्रणाली। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये चीज़ हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से। क्या चीज़ें होती हैं थोड़ा डिटेल बहुत बड़े ज़्यादा बतानी पड़ेंगी, तो इसको मैं जब ये पूरा बता दूंगा, फिर जब मैं इस टॉपिक पे आऊँगा संघीय केंद्र सरकार राज्य सरकार समर्थित से पढ़ाऊँगा जब मैं, तो सारी चीज़ों का बहुत डिटेल से बताऊँगा। अभी आप इस इतना देखिए हमने कहाँ से क्या अडॉप्ट किया है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, तात्पर्य राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक सुरक्षित रखना, ये इसका संबंध आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं अनुच्छेद 356 से। मैंने बताया आपातकाल तीन तरीके से बताया था, अनुच्छेद 352, 356 और 360। 356 में क्या था कि जब राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को इस बात की सूचना देता है कि यहाँ पर संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है, संवैधानिक नियमों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तब ये बात राष्ट्रपति को बताता है, फिर राष्ट्रपति को बताने के लिए विचारार्थ रखे रहता है। या दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है, राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो विधानसभा विधान परिषद से पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल सोचता है कि यार ये कानून बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरे देश हित में है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कानून बनने से पहले एक बार राष्ट्रपति जी से सलाह करनी चाहिए, तो वो राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु विचार हेतु उसको सुरक्षित रख के रहता है कि मैं राष्ट्रपति जी से बात करूँगा। तो ये प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, कनाडा के संविधान से, क्योंकि भाई राज्य में जो कानून बनता है विधानसभा से पहले पास होगा, विधान परिषद से पास होगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा, तो राज्यपाल को अगर लग गया कि ये कानून जो बनाने जा रही है राज्य सरकार ये देश हित में है, तो वो उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, उस प्रस्ताव को, ठीक है। जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा क्योंकि अनुच्छेद 21 जो अनुच्छेद है यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपके जीवन संबंधी का बहुत बड़ा अधिकार होता है, बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है, ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, अनुच्छेद 21, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया, जापान के संविधान से लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मिले, संविधान में संशोधन की शक्ति, भाई संविधान में ऐसा तो नहीं समय से संविधान एकदम एग्जैक्ट सही है, समय से बदलाव होते रहते हैं, जाहिर सी बात है अगर समय से बदलाव होंगे तो संशोधन तो होंगे ही, ठीक है। तो हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इसकी पावर हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से, कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जिस तरह से संशोधन होता है उसी तरह हमारे यहाँ भी होगा, तो ये चीज़ हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक। कैसे होती है ये बताऊंगा, संविधान संशोधन जो होता है एक तरह का पूरा टॉपिक ही है, ठीक। सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से हमने क्या लिया है, मूल कर्तव्य मैंने बताया, संविधान जब बना था तो मूल कर्तव्य उसमें जोड़ा नहीं गया था, बाद में अडॉप्ट किया गया, किस देश के संविधान से हमने लिया है, सोवियत संघ या दूसरी भाषा बोल सकते हैं रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, ठीक। जर्मन के बीबर संविधान से क्या लिखा है, जर्मन के संविधान से क्या लिया गया है, आपात उपबंध, आपात उपबंध को दो बार बता चुका हूँ, हमने पहले वीडियो में थोड़ा सा बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा बताया था, ठीक है, सेकंड वाले में, इससे आपात उपबंध ये आपातकालीन स्थिति संबंधी चीज़ें कहाँ से, जर्मन के संविधान से है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, संविधान में जो हमारे 395 टोटल अनुच्छेद बनाए गए थे लिखे गए थे उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद सीधे हमने कहाँ से ले लिए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। अभी क्या है, मैंने आपको बताया कि भारत शासन अधिनियम 1935, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, ठीक है, कैपर्ट मिशन, ये सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इसको यही चीज़ जब संविधान के स्रोत समाप्त हो जाएंगे इसके बाद, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम से हमने क्या लिया है, लगभग 250 अनुच्छेद लिए उठाकर, यानी 395 में 250 सीधे यहाँ से ले लिया है, ठीक है। अगला लास्ट क्या है, फ्रांस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, गणतंत्रात्मक शासन
प्रणाली, हमारे देश जो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, हमने कहाँ से अडॉप्ट किया दोस्तों? फ्रांस के संविधान से, ठीक है। इसमें से आप ये मूल कर्तव्य बहुत अच्छे तरह से रखेगा, और ये संविधान की संशोधन शक्ति दक्षिण अफ्रीका के संविधान, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, और आपात उपबंधी बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, जर्मन से सोवियत संघ और साउथ अफ्रीका, ये बहुत क्वेश्चन। तो देखिए जितने चीज़ें मैंने बताई आपको एग्जाम में लगभग सारे पूछे गए हैं, लेकिन जो मैंने इंडिकेट कर दिए हैं समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आपके भारतीय संविधान के स्रोत। इस भारतीय संविधान का स्रोत जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई इसे आप पूरा अच्छी तरह से एक नोट्स बना के प्रिपेयर करिएगा, और इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने लिखी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखी, उसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे आपको 10 से 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं रिपीटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत से रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा बनाया गया ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और चाहते थे फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप लोग जितना हो सके उतना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके बाद मैं आपके अगले मुलाकात मैं आपसे कुछ दिन बाद होगी। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है।